हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आपने मेरा यूट्यूब वीडियोस देखते हैं या आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हुए हैं, आई एम श्योर यू हैव मेड गुड मनी। एक दो स्टॉप लॉसेस ज़रूर हिट होते हैं, मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ कि मेरे स्टॉप लॉसेस नहीं हिट होते, बट यू हैव टू ऑनर द स्टॉप लॉस। मोस्ट ऑफ यू डोंट बिलीव इन ऑनरिंग द स्टॉप लॉस, और फिर स्टॉक जब फ्री फॉल में आ जाता है तब आप यहाँ आके लिखते हो कि ये तो इतना मेरा लॉस हो गया। अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर आपको कैपिटल रोटेट करनी है तो अपने स्टॉप लॉस को ऑनर करिए और नेक्स्ट ट्रेड में उसको रिकवर करिए, राइट? ऑल अबाउट ट्रेडिंग इज जस्ट यू नो हाउ यू मैनेज योर कैपिटल, हाउ यू मैनेज योर रिस्क, हाउ यू मैनेज योर ट्रेड, दैट्स ऑल अबाउट ट्रेडिंग। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जस्ट वन लाइक 10% और 20%, बट 80% और 80-90% इज योर How do you manage your money? How do you manage your risk? How do you manage your trade? But none of you want to work on that, right? अगर आप उस पर काम कर लोगे, you will become a profitable trader for sure. शुरू करते हैं। अच्छा, पहले आप मुझे बताइए कि आपने 1.1 solution में पैसे बनाए कि नहीं बनाए। JSW Infra, Apollo Tires आज दिया था आपको, दो तीन दिन पहले Wockhardt Pharma दिया था, फिर आपको दिया था आज लाइव मार्केट में GRSC, Garden Reach अपर सर्किट में लॉक हुआ था, Wockhardt Pharma अपर सर्किट में लॉक हुआ था, PGEL और IL दैट गिव अ गुड मूव, ऑल द स्टॉक्स, बट एक स्टॉक KPIT ने आज स्टॉप लॉस हिट किया, बट ट्रस्ट मी दैट स्टॉक इज जस्ट अबाउट टू रन। आई बीन वॉचिंग इट, बट कभी कभी होता है कि प्राइस नहीं आपका ऑनर योर जजमेंट, बट डजंट मैटर, द स्टॉक विल मूव इफ यू आर होल्डिंग इट। तो मैंने आपके लिए कुछ कैश के और स्टॉक्स निकाले हैं, फिल्टर आउट करे हैं। आप में से लिखते हो रोज आके कि 20 स्टॉक आप देते हो, महीने में आपके 240 स्टॉक हो जाते हैं, पांच चल जाते हैं, पांच का गाना आप गाते हो। अरे ऐसा नहीं होता है, और कौन सा आप 240 स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हो? कोई कभी आता है, कोई कभी आता है, कोई कभी आता है, और एक कोई आप लिख रहा है कि इतने सारे स्टॉक्स में स्टॉप लॉस हिट हो गया, मैंने जिस जिस में एंट्री ली उसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो वो आपका भी तो कहीं पर कोई, आपका भी तो लक है, आपका भी तो एक कनेक्शन है ना विद द स्टॉक मार्केट, विच डजंट प्रॉब्ली सेट फिट। तो इसलिए आप मत करिए ट्रेडिंग, आप पोजिशनल भी मत करिए, आप केवल निफ्टी 20, बैंक 20, IT 20, इन सब में पैसा लगाइए, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में पैसा लगाइए, बस। आपको स्टॉक्स में एंट्री नहीं लेनी है, आपके लिए नहीं बना स्टॉक मार्केट। कभी कभी समझना चाहिए हमको कि हमें क्या, हमारे लिए कहाँ हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, कहाँ ट्रेडिंग नहीं कर सकते। एनी वे, शुरुआत करते हैं। पहला ट्रेड जो मेरे रडार पे रहेगा वो रहेगा जीनस पावर इंफ्रा। मैं किसी के भी फंडामेंटल्स आपके साथ नहीं शेयर करूंगी, एक्सेप्ट वन स्टॉक जो मैं आपको एंड में बताऊंगी, और वो मुझे बहुत ब्राइट लग रहा है, और उसका मुझे लगता है कि आने वाले समय में हो सकता है एक मल्टी बैगर स्टॉक बन जाए, राइट? तो जुड़े रहिए, सुनते रहिए, नहीं है तो स्किप करके देखिए, बट सुन लीजिएगा। तो ये आपके सामने जीनस पावर लगा हुआ है, मैं इसको थोड़ा ना इसका आपके लिए इसमें जो है वाटरमार्क लगा देती हूँ, कई लोगों को आपको समझ नहीं आता है। सो जीनस पावर, जीनस पावर में प्राइस ऊपर की तरफ लगातार शिफ्ट हो रहा है, देयर इज अ क्लोज बाय बैरियर जिसको हम ध्यान कर सकते हैं, और आज के दिन इसमें अच्छे वॉल्यूम्स आए हैं, हम इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं 337 के ऊपर। प्लीज़ माइंड द लेवल्स, 337 और 338 के ऊपर ही आपको बाय करना है, और इसमें आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है 300 का, 10% का स्टॉप लॉस रहेगा, और 10% का ही मिनिमम टारगेट आपको डेफिनेटली आता हुआ दिखाई देगा, राइट? 10% का टारगेट आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो आपको जो पहले टारगेट्स आते हुए दिखाई देंगे, वो पहला टारगेट एक्चुअली आता हुआ दिखाई देगा 343 पे, 343 क्रॉस होने के बाद आपको 350, 360। अब आप में से बहुत सारे लिखोगे कि आपके 10% का स्टॉप लॉस और पहला टारगेट केवल 7 पॉइंट्स का। जैसे ही आपको फर्स्ट टारगेट मिलता है, स्टॉप लॉस आपको कॉस्ट पे शिफ्ट करना है। ये केवल तभी सिचुएशन है जब आपका ट्रेड ट्रिगर नहीं होता है, बट एक बार ट्रेड ट्रिगर हो गया तो आपका स्टॉप लॉस वैलिड हो जाता है, बट अगर फर्स्ट टारगेट आ जाता है तो आपको कॉस्ट पे अपने स्टॉप लॉस को शिफ्ट करना है, राइट? 360 के बाद आपको 370, 380 ये सारे टारगेट्स आते हुए दिखाई देंगे, आने वाले समय में आपको इसमें 400 का टारगेट भी आते हुए दिखाई देगा। सो ये मेरा पहला स्टॉक था आप लोगों के लिए। इसी सेगमेंट का एक और स्टॉक जो अच्छा लग रहा है मुझे, वह RIIL, रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा लिमिटेड। इस स्टॉक की बात करें तो आज इस स्टॉक ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैरियर था जो 1175 था,
उसको क्रॉस करने की कोशिश की है, वॉल्यूम्स आए हैं अच्छे, दे वर ड्राइड अप वॉल्यूम एंड द स्टॉक वॉज गोइंग डाउन, फिर वॉल्यूम्स आए हैं, एक कैंडल बनी है और फिर इनसाइड कैंडल्स के बाद आज फिर ब्रेकआउट आ रहा है। तो मेरे हिसाब से आपको एक अच्छी बाइंग इसमें मिलेगी अबव 1425 के ऊपर आप बाय कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ अबाउट 1280, और उसके बाद आपको जो टारगेट्स आते हुए इसमें दिखाई देंगे, आप जाके इसके फंडामेंटल्स चेक करिएगा, तो आपको जो टारगेट्स आपको आते दिखाई देंगे। सो बाई है 1425 के ऊपर, पहला टारगेट आपको दिखाई देगा आता हुआ 1450 के आसपास, दूसरा टारगेट आपको आता हुआ दिखाई देगा 1480 के आसपास, नेक्स्ट टारगेट जो आपको आता हुआ दिखाई देगा वो 1520 के आसपास आता हुआ दिखाई देगा, और एक फाइनल टारगेट आपको 1588 का टारगेट दिखाई देगा। अगर 1588 क्रॉस हो जाएगा तो 1600, 1625 एंड 1650 ये टारगेट्स भी आते हुए दिखाई देंगे। तो RIIL, कीप इट ऑन रडार। नेक्स्ट स्टॉक जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वो है ईवी से रिलेटेड ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक का अगर आप प्राइस एक्शन समझना चाहते हैं तो मैं आपके लिए डायग्राम इसमें बनाती हूँ, जो मेरा फेवरेट सेटअप है, ऑलमोस्ट वही सेटअप बन रहा है। और यहाँ से देखिए, दिस इज़ हाउ इट हैज़ गिवन अ लिटिल बिट ब्रेकआउट टुडे। और अब मुझे क्या लगता है कि ये स्टॉक अगर पास्ट बैरियर्स के ऊपर जाएगा, विच इज़ 1888 के ऊपर जाएगा, तो आपको इसमें एक अच्छे खासे मूवमेंट आते हुए दिखाई देंगे। आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है 1738 का, पहला टारगेट आपको जो आता हुआ दिखाई देगा वो रहेगा 2000 का, 2000 क्रॉस होने के बाद आपको नेक्स्ट टारगेट इसमें आता हुआ दिखाई देगा 2100 का, फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट टारगेट इसमें 2200 तक का भी आता हुआ दिखाई देगा। तो ये आपका तीसरा स्टॉक है ओलेक्ट्रा ग्रीन। अब मैं आती हूँ उस स्टॉक के ऊपर जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पहले उस स्टॉक के बारे में बात करते हैं, द स्टॉक नेम इज हबटाउन, राइट? स्टॉक का नाम है हबटाउन। तो अभी इसके फंडामेंटल्स में एक मिनट पे आते हैं। तो ये कंपनी बेसिकली करती क्या है, द कंपनी इज इन द बिजनेस ऑफ रियल एस्टेट डेवलपमेंट, बेसिकली दे आर इन मुंबई। कंपनी एग्जीक्यूट्स एंड डेवलप्स कमर्शियल्स एंड रेजिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स ऑन इट्स ओन थ्रू सब्सिडरीज, जॉइंट वेंचर्स, एसोसिएट कंपनीज। कंपनीज प्रेजेंट इन सिटीज लाइक मुंबई, थाने, पुणे, अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा एंड महसाना। सो कंपनी हैज कंप्लीटेड 14 मिलियन स्क्वायर फुट ऑफ प्राइम रियल एस्टेट विद इन 45 मिलियन स्क्वायर फुट अंडर डेवलपमेंट एक्सेस अक्रॉस मल्टी एसेट क्लासेस। कंपनीज पोर्टफोलियो कंसिस्ट ऑफ हाई एंड रेजिडेंशियल डेवलपमेंट्स बिल्ट टू सूट ऑफिस स्पेसेस एंड आईटी पार्क्स। अगर इनके रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो 25 साउथ हबटाउन प्रीमियर रेजिडेंसीज, हबटाउन सीजन्स, हबटाउन वेदांत, हबटाउन राइजिंग सिटी, हबटाउन हार्मनी, हब लाइक अ लॉट ऑफ दे हैव बिल्ट अप एंड सिमिलरली द प्रोजेक्ट्स, अदर प्रोजेक्ट्स, राइट? सो द कंपनी एक्वायर्ड 99.9% stake of Rubik's Trading Private Limited and made its new subsidiary and also incorporated and associated like SHK Hotels and Hospitality Private Limited. तो बेसिकली कंपनी के पास बहुत बड़ा एक लैंड बैंक है जो अभी इनको स्टिल डेवलप करना है, क्योंकि अभी इतना बड़ा लैंड बैंक है जो कि डेवलप नहीं हुआ है, तो कंपनी के फंडामेंटल्स आपको बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं दिखाई देंगे। बिकॉज जब तक डेवलपमेंट हो रहा है, कंपनी इज़ वेरी हैवी ऑन कैपिटल, राइट? कैपिटल एब्जॉर्प्शन इज क्वाइट अ लॉट and profitability may not be high. So 1413 crore ka market cap hai, ROC is -0.04%, ROE is about 6.67%. agar hum baat kare to stock is trading 1.08 times its book value and promoters holding is increased 1.2% over last quarter. promoter apni holding ko tabhi increase karenge jab unko lagta hai ki ye stock, ye mera product acha hai aur chalne wala hai. But there are many negatives. Company has low interest coverage ratio. The company has delivered a poor sales growth. Company has a low return on equity. मैं सब कुछ मान लेती हूँ, ठीक है? आपने कहीं ऐसा देखा है कि बॉम्बे में, पुणे में, महाराष्ट्र में, अहमदाबाद में, वडोदरा में कोई कमर्शियल स्पेस हो, कोई रेजिडेंशियल स्पेस हो और वो खाली पड़ा रहे या वो बिल्कुल उसकी कोई सेल ना हो? आई थिंक दिस इज कंपनीज स्ट्रैटेजी टू नॉट रियली सेल एट एनी गिवन price. They are probably holding their land bank, their residential flats bank. मुझे ऐसा लगता है, right? But anyway, what I don't want to you people to judge the company by what I'm saying. Make your own decision, make your own understanding about
डू योर ओन रिसर्च, आप लोग अपना ग्रुप बनाइए और उसमें बात करिए, आप इसमें डिस्कस करिए, हो सकता है आपका कोई बेटर पॉइंट निकल के आए। हब पॉइंट के और भी देखते हैं कि इनकी सेल्स ग्रोथ तो बेसिकली कुछ भी नहीं है, 21 से लेके अभी तक डिक्लाइन हुआ है सेल्स में, और आप हर चीज़ में देख सकते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आर नेगेटिव, राइट, EPS इज नेगेटिव, नेट प्रॉफिट इज नेगेटिव, सेल्स अगर हम 2013 से बात करते हैं तो डिक्लाइन हुई है, एक्सपेंसेस हैव गॉन अप, सो डेफिनेटली फंडामेंटल्स आर नॉट गुड। अगर हम कैश फ्लो की बात करें तो दे हैव बीन जनरेटिंग, ऑफ कोर्स देयर हैज बीन अ डिक्लाइन इन द प्रॉफिट्स, बट दे हैव बीन प्रोड्यूसिंग सम प्रॉफिट्स, बट दे आर सिटिंग ऑन अ वेरी हॉट लैंड बैंक, दैट्स द पॉइंट टू बी नोटेड, राइट। जिस दिन वो डेवलप हो जाएगा और सेल होना शुरू हो जाएगा उस दिन आप देखिएगा ये स्टॉक कहाँ पे कहाँ से कहाँ भाग जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग्स को धीरे धीरे इंक्रीज नहीं करते। FIS ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है, नॉट इंक्रीज किया, स्टेबल रखा है। DIs की होल्डिंग जीरो है इसमें, पब्लिक की होल्डिंग जो है थोड़ी सी रिड्यूस हुई है। अब चलते हैं इसके प्राइस के ऊपर और बात करते हैं हाउ डज द प्राइस लुक लाइक। एंड ये स्टॉक ना कभी मैंने 38 रुपीज़ पे दिया था, बट बहुत पुरानी बात कर रही हूँ मैं। हब टाउन, दिस इज़ हाउ द स्टॉक लुक्स लाइक, राइट। इसने लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन को ब्रेक किया है, लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन को ब्रेक किया है। ये स्टॉक जो है ऑलमोस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम फेबररी 23, मतलब ये स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया था लास्ट ईयर, नहीं जनवरी 24 में, तो ऑलमोस्ट लाइक 6 महीने बाद आज स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया अपनी रेंज को। और मैं अगर इसमें एक प्राइस एक्शन ड्रॉ करती हूँ तो समवॉट लाइक दिस, देखिए प्राइस जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है, और आज इसने अपने पास्ट बैर, एक्चुअली ना इसने यहीं पे अपने पास्ट बैरियर को ब्रेक करा था। ये देखिए ये जो प्राइस सेक्शन है ये बेटर प्राइस सेक्शन है, ये जो बैरियर था उसको ब्रेक किया, आज फिर इसने प्रीवियस बैरियर्स को ब्रेक किया, तो मुझे क्या लगता है कि अब इसमें एक अपवर्ड मूवमेंट आने की तैयारी है। आप इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं 178 के ऊपर, बट अगर ये थोड़ा करेक्ट होता है फॉर एनी रीज़न, ऑल्दो आई डोंट थिंक सो इट विल करेक्ट, आप इसमें 100 के आसपास या 110 के आसपास इसमें और एक्यूमुलेट कर सकते हैं। सो ये स्टॉक मेरा लास्ट में रहेगा, फंडामेंटल्स बहुत अच्छे नहीं है, बट दे हैव अ लैंड बैंक विच विल सेल लाइक हॉट केक, सो आप इसको ध्यान में रखिएगा। नहीं अच्छा लगता तो बिल्कुल मत ट्रेड करिए, बट ये नहीं लिख सकते कि मैंने दिया था और आपने ट्रेड किया, आप अपना जजमेंट यूज़ करेंगे, अगर आपको अच्छा लगता है तो ट्रेड करिए, अदरवाइज मत करिए। कोई डॉक्टर ने नहीं बोल दिया आपको कि आप पूरा पैसा हब टाउन में लगा दो, नो, एंड आई एम ऑल्सो नॉट टेलिंग यू टू डू दैट, जस्ट पुट अ स्मॉल कैपिटल इफ एट ऑल यू वॉन्ट टू डू इट, बट मैनी ऑफ यू पुट योर एंटायर कैपिटल इन वन स्टॉक, सो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, आई एम नॉट, राइट। सो प्लीज़ अगर कोई ऐसा बंदा बताओ ना मुझे जो यूट्यूब पर आपको बार बार मनी मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट की बात बोलता है, कोई है तो बताओ, कोई नहीं बोलता, मैं बोलती हूँ बिकॉज आई एम कंसर्न अबाउट यू गाइस, बट आप लोगों को सुनना ही नहीं है, नीचे आके लिखना है कि मैं तो जिस इसमें भी आपका स्टॉप लॉस टू वॉस में भी, अगर आपको फंडामेंटल्स नहीं अच्छे लग रहे तो मत लो, बट अगर फंडामेंटल्स अच्छे हैं देन वेट, नो स्टॉक विल बी क्लोज्ड इन नेगेटिव, दैट मच आई कैन गारंटी यू। यू एवरेज इट एट अ लोअर प्राइस, योर कॉस्ट विल कम डाउन, प्रॉफिट विल बिकम फास्टर, विल कम फास्टर। अच्छे स्टॉक्स में ट्रेड लगाना, ये आपको मैं आपको अच्छे स्टॉक्स ही ढूंढ के देती हूँ। हब टाउन मेरे रडार पे आज से नहीं है, अप डाउन मेरे रडार पे बहुत समय से है, जब से ये अप डाउन चल रहा है तब से है मेरे रडार पे, बट आज जब इसने ब्रेकआउट दिया और आई नो दिस फॉर अ फैक्ट दैट दे हैव अ लैंड बैंक, तब मैंने आपको ये स्टॉक दिया है। मे बी दे आर अबाउट टू रिलीज देयर इन्वेंट्री एंड इफ इट सेल्स देयर प्रॉफिट्स विल कम एंड थिंग्स विल बी सॉर्टेड आउट, सो कीप इट ऑन रडार, बट डू योर ड्यू डिलिजेंस बिफोर यू इन्वेस्ट। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, आई एम नॉट चार्जिंग योर फी, आई एम शेयरिंग माई रिसर्च, I'm telling you the levels, but when you enter, how you enter, how much you enter, when you book is your responsibility. Bye-bye, take care and do join me for live trading every single day from 10 to 11.